हमीरपुर में 5 साल की छोटी बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले पर हमीरपुर डिग्री कॉलेज के SFI छात्र छात्राओं ने हमीरपुर के गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बलात्कार और यौन शोषण के खिलाफ सख्त कानून और सजा का प्रावधान किया जाए। SFI के छात्रों ने कहा कि हमारी मांग ये है कि इस घटना की निष्पक्षता से जांच की जाए और देश व प्रदेश में बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर कड़ा कानून लागू किया जाए। हमीरपुर में 5 साल की छोटी बच्ची के साथ बलात्कार पर हमीरपुर डिग्री कॉलेज के SFI छात्र छात्राओं ने हमीरपुर के गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बलात्कार और यौन शोषण के खिलाफ सख्त कानून और सजा का प्रावधान किया जाए। SFI के छात्राओं ने कहा कि हमारी मांग ये है कि इस घटना की निष्पक्षता से जाँच की जाए और इस पर कड़ा कानून लागू किया जाए। सुरेश कश्यप ने कहा कि जो हमीरपुर में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई है उस घटना की निष्पक्षता से जाँच की जाए और बलात्कार और यौन शोषण के खिलाफ सख्त कानून और सजा का प्रावधान किया जाए कि देश ताकि देश प्रदेश में बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं वो ना हो। ये आज जो हमारा धरना प्रदर्शन है जो SFI DY से मिलकर जो है इस धरना प्रदर्शन का आयोजन करा है आज, जिसका मुख्य मकसद है कल जैसे हमीरपुर के अंदर जो रेप की घटना हुई है एक 5 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार की घटना हुई उसके ऊपर जो है हमारा ये धरना प्रदर्शन है। हमारी इसमें सीधे तौर पर निष्पक्ष तरीके से मांग ये है कि इसमें जो है जो निष्पक्ष तरीके से जो है इस घटना की जाँच करी जाए और आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से देश और प्रदेश के अंदर ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त और कड़ा कानून जो है इस बलात्कार के संदर्भ में जो लाया जाए। हम ये मानते हैं कि पुलिस का जो है हमेशा से रवैया जो है किसी भी चीज़ को लेकर जो मामले को निपटाने के तरीके से होता है, दूसरी तरफ जो रेप का विक्टिम है वो एक उसकी जो माता है एक विडो है और दूसरा जो प्रवासी मजदूरों की हैसियत जो यहाँ पर रह, तो हमें ये पूर्ण विश्वास है कि इस चीज़ को दफा रफा करने की थोड़ी सी कोशिश करी गई है, तो उसको ना दबाते हुए जो है हम पुलिस और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको जो है एक निष्पक्ष तौर तरीके से इसकी जो है जांच करी जाए। इसी के संदर्भ में जो है हमने ये धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पर आयोजित किया है।